जैसे कि हम सभी को पता है, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में मॉरिटोरियम एक्सटेंशन और मॉरिटोरियम एक्सटेंशन के पीरियड के अंदर जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ था उसको माफ करने के ऊपर सुनवाई था। कुछ रीजन के लिए कल ये सुनवाई कंप्लीट नहीं हो सका। सो आज जो है सुबह सुबह इसके ऊपर सुनवाई हुआ, क्या क्या हुआ इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो जैसे ही हियरिंग स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो है दलील जो रखा गया सेंटर की तरफ से, जी सेंटर ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट को, कि हमने ऑलरेडी दो एफिडेविट आपको जमा कर चुके हैं और उसमें साफ साफ कहा गया कि हमने सारे सेक्टर और सारे कस्टमर को जो है हमने उसके ऊपर कवर किया है। बात करें कि 2 करोड़ के कम के जितना भी लोन है, चाहे उसमें आपका पर्सनल लोन हो, चाहे आपका होम लोन हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपके एसएमईज लोन हो, सो सारे लोन के अंदर जितना भी लोगों ने मॉरिटोरियम लिया था या फिर नहीं लिया था, उन सारे कस्टमर का ये 6 मंथ के अंदर जो भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, मतलब कंपाउंड जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमने माफ करने के लिए ऑलरेडी गाइडलाइन या सर्कुलर जारी कर चुके हैं और बैंक की तरफ से वो रिक्वेस्ट ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। 5 नवंबर के अंदर अंदर सारे कस्टमर को वो सारा जो अमाउंट है वो रिफंड मिल जाएगा। अब सवाल है बैंक के लिए, बैंक और एनबीएफसी जो पैसा उसको वापस करेगा उनके लिए भी हमने प्रोसेस बोल दिया है। कस्टमर को वेवर देने के बाद हमारे पास क्लेम करे और 15 दिसंबर से पहले पहले आपका भी पैसा आपको मिल जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी हमने 6,500 करोड़ का बजट रखा है। आप बात करें कि सेक्टर वाइज अगर लोन की बात करें, मत का जो टीम था उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर रिपोर्ट दिया है। सेक्टर वाइज जो भी इंपैक्टेड हुआ था कोविड के चलते, सेक्टर वाइज जो है रिलीफ के लिए भी हमने ऑलरेडी पैकेज जो है घोषणा कर चुके हैं और बैंक को और एनबीएफसी कंपनी को उसका गाइडलाइन भी भेज चुके हैं। सो दोस्तों इसके बाद जो बड़ी था रिजर्व बैंक की तरफ से, जी को पता है कि रिजर्व बैंक डे 1 से जो है मना कर रहे हैं कि मॉरिटोरियम एक्सटेंशन आगे और ना बढ़ाया जाए। और आज भी दोस्तों सेम ही चीज हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने सेम चीज बताया गया रिजर्व बैंक की तरफ से कि हमने ऑलरेडी जो है 6 मंथ का मॉरिटोरियम एक्सटेंशन दे चुके हैं जो कि है काफी है, उसको बढ़ाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे अगर आप बढ़ाया जाएगा तो जो क्रेडिट जो बिहेवियर है वो इंपैक्ट हो सकता है और इसके चलते जो है डेप्थ जो है बढ़ सकते हैं ओवरऑल, साथ ही साथ बैंक के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो सकता है और हमारे जो गाइडलाइन जो बनाया है, चाहे एनपीए का डेफिनेशन बोली और भी जो इंटरनल गाइडलाइन है वो भी वायलेट करेगा। सो हमारा अनुरोध ये है कि एक्सटेंशन जो है और बढ़ाया ना जाए। ये कि सेंटर की तरफ से जो अपॉइंटेड वकील है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, वो आज कुछ दूसरे केस में बिजी होने के कारण सेंटर की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि फर्दर जो है हमें थोड़ा समय और दिया जाए और कोई अगला दिन जो है सुनवाई या डिसीजन इसके ऊपर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एज यूजुअल उनका रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट कर लिया सेंटर का और अगला सुनवाई जो है 5 तारीख के लिए रख दिया गया। सो दोस्तों ये था आज का पूरा हिस्ट्री या स्टोरी। आप बोलिए आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपका डिसीजन मुझे सुनना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।